साजिश के तहत एक्सीडेंट करा पत्नी की हत्या करवाने के मामले में आरोपित पति को थाना सदर महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान अजयवासी आदलपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित से पूछताछ में पता लगाया कि आपसी घरेलू विवाद के चलते आरोपित ने साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया था। आरोपित को न्यायालय में पेश कर पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपित से पूछताछ की जा रही है। सदर थाना प्रभारी श्योताज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपित अजय ने ही दिनांक 9 अगस्त को थाना सदर महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि दिनांक 8 अगस्त को समय करीब रात 8 बजे उसकी पत्नी अनिता और उसकी बेटी स्कूटी से खालड़ा मंदिर से वापस जा रहे थे और वह अकेला अलग मोटरसाइकिल पर था। जब वह गांव पाली की नहर के पास पहुंचे तो पीछे से अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी बेटी को भी चोटें आई। अजय ने वाहन के चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच में पता लगाया कि आरोपित अजय ने ही अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची थी और साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिलवाया था। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि आरोपित पिछले 2-3 माह से एक्सीडेंट करने वाले ट्रक चालक के संपर्क में था। इसके बाद आरोपित ने साजिश रच वारदात को अंजाम दिलवाया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पता लगाया कि आरोपित ने घरेलू विवाद को लेकर साजिश रच वारदात को अंजाम दिलाया। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपित से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 8/8/23 को अजय कुमार वासी आदलपुर ने अपनी पत्नी व लड़की के एक्सीडेंट बारे में अभियोग अंकित कराया था, जिसमें मौका पर ही अजय कुमार की घरवाली पत्नी थी उसका मृत्यु हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम करा के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद में दौरान तफ्तीश मृतका का पति अजय कुमार के लड़का रोहित ने इसको मतलब एक्सीडेंट ने बताकर और षड्यंत्र हत्या बताई, जिसकी गहनता से जांच की गई। जांच के दौरान सच्चाई तथ्य सामने आए, जो कि मृतका का पति अजय कुमार ने ही साजिश के तहत ट्रक ड्राइवर बिट्टू सनोह महावीर वासी आदलपुर से साजबाज होकर इस वारदात को अंजाम दिया, जो कल दिनांक 12/8 को अजय कुमार के खिलाफ सबूत आने पर मुकदमा में गिरफ्तार किया गया और आज माननीय अदालत में पेश करके गहनता से पूछताछ के लिए एक दिन का पुलिस हिरासत रिमांड लिया गया है और बाकी आरोपी बिट्टू ट्रक मालिक व किशन कुमार की गिरफ्तारी बकाया है, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार्रवाई जारी है।